बड़ी खबर बहराइच से आ रही है, जहां एक साथ मिले हैं 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज, जिनमें से 7 पुरुष और एक महिला की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। आरएमएल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने इस बात की पुष्टि कर दी है। बहराइच में अभी तक कोई भी मामला नहीं सामने आया था, पर एक साथ ये खबर आई कि एक साथ मिले हैं बहराइच में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज। टोटल 8 पॉजिटिव मिले हैं जी, उसमें 6 हमारे यहाँ जो क्वारंटाइन बना हुआ है आपके पास वार्ड में, तो वहाँ भर्ती हैं, और दो केस जो है सेंटर में वहाँ पे आए प्रोग्राम नाम बता रहे हैं, जहां एक साथ 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। और इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अजय हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। अजय, पिछले कुछ दिनों से लगातार अलग अलग जगहों से लगातार हमें कोरोना को लेकर खबरें तो आ रही थी, पर बहराइच एक ऐसी जगह थी जहां से कोई भी अपडेट सामने नहीं आया था, और एक 8 कोरोना पॉजिटिव की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट है? निश्चित तौर से पूजा, ये बहराइच जिले के लिए भी काफी चिंता का विषय है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहराइच ये बॉर्डर का जिला, सीमावर्ती क्षेत्र है और नेपाल जस्ट बगल में है, और ये बात निकल के आ रही थी, उससे पहले भी खबरें उठाई गई थी कि नेपाल से भारतीय क्षेत्र में कोरोना आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है। अभी एक इसमें जो व्यक्ति निकला है एक नेपाल का संतराम है, उसके साथ साथ कुल 8 कोरोना के मरीज अचानक निकल कर रहे हैं, तो 8 मरीज के निकलने से बहराइच जिले की आसपास की आबादी बड़े तरीके से प्रभावित होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि जो ये यहाँ पर निकले हैं उसमें एक रजनी रूपानी नाम की एक महिला है जो नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष, जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कन्हैयालाल रूपानी की बहू बताई जाती हैं, ये बीजेपी के नेता हैं, उनकी बहू है, तो सबसे बड़ा चौंकाने वाला विषय ये है कि जिस इलाके में जी बिल्कुल अजय, निश्चित है कि वो इस बीच काफी लोगों से मिली होगी, उनकी मुलाकात हुई होगी, और ऐसे में एकाएक खबर आई है और 7 पुरुष भी जो सामने निकल के आ रहे हैं वो भी कई लोगों से मिले होंगे, तो काफी ज्यादा लोगों को इस खबर को लेकर क्वारंटाइन किया गया होगा। निश्चित तौर से अभी चूंकि ये फौरी तौर से 8 लोगों की बड़ी संख्या निकल कर आई है, इससे पहले बहराइच के गोंडा जिले में एक सूचना तो काफी हो हल्ला देवी पाटन मंडल में मच गया था, लेकिन बहराइच जिले में अचानक 8 लोगों की एक साथ कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें खड़ी कर दी है, और जिले के जिम्मेदारों के लिए कहीं ना कहीं एक सवाल भी हो गया, क्योंकि इससे पहले जितनी रिपोर्ट भेजी गई थी लगातार सारी रिपोर्ट निगेटिव आ रहे थे, इस बार जब ये रिपोर्ट आई है और अचानक एक साथ 8 लोगों की रिपोर्ट आ गई और सभी पॉजिटिव आए, तो कहीं ना कहीं इससे पहले जो जांचें हुई हैं वो भी कहीं ना कहीं तमाम चीजों के दायरे में आ रही है, क्या कारण है कि सारी रिपोर्ट सब निगेटिव आ रहे थे और अचानक ये 8 रिपोर्ट एक बार पॉजिटिव आना, जी बिल्कुल अजय, सवाल खड़ा करता है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है ये। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम अपडेट के लिए।